परमाणु नगरी पोकरण के एक सरकारी कार्यालय को ही वहाँ के नुमाइंदों ने महकाना बना दिया। एक बारीक तो सुनने पे ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। सरकारी कार्यालयों में जनता का काम करने की तनख्वाह ले रहे सरकारी कर्मचारियों ने ही कार्यालय परिसर को महकाना बना दिया। देर रात तक यहाँ जाम छलकते हैं और जाम के बाद मदिरा की खाली बोतलों को जब्त किए गए वाहन भर कर ले जा रहे हैं। इन वाहनों को देसी पवे से लेकर ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें देखी जा सकती है। मामला पोखरण शहर के परिवहन निरीक्षण कार्यालय का है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया गया, जिसके नंबर भी RJ55 जारी कर दिए गए हैं। जिला मुख्यालय की ओर से जाने वाले मुख्य मार्ग उन्मूल संस्था के पीछे परिवहन निरीक्षण कार्यालय का कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के कुछ वाहनों को जब्त करके रखा गया है। कुछ के हालात खटारा जैसे हो गए हैं। मामला जब जांच पड़ताल में पाया गया तो एक वाहन शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ पड़ा था। मौके पर कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आया। वर्तमान में पोखरण परिवहन विभाग कार्यालय में उप निरीक्षक पद पर बलवंत सिंह कार्यरत है। पड़ताल में ये सामने आया कि सड़क पर वाहनों चालकों के नियम पालन कराने वाले विभाग के अधिकारी व कर्मचारी महकाना सजाते हैं और फिर शराब की खाली बोतलों को पास ही में जब्त किए गए वाहनों में डाल देते हैं। सरकारी परिसर में सरकारी कर्मचारियों की ऐसी करतूत पूरे विभाग पर सवालिया निशान खड़े करती है।